आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके फ़ोन में कॉल आने पर रिंगटोन का साउंड नहीं आ रहा है, एयरटेल फ़ोन में रिंगटोन का साउंड नहीं आता है, तो ये प्रॉब्लम कैसे ठीक करें। तो इसके लिए सेटिंग्स ओपन करिए, सेटिंग में नीचे आइए, साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करिए। ऊपर अब ये DND आएगा, डू नॉट डिस्टर्ब मोड, इस पर क्लिक करिए। अगर आपके फ़ोन में ये DND ऑन है तो ये DND बंद करिए, और नीचे ये शेड्यूल ऑन है तो ये शेड्यूल बंद करिए। ये सेटिंग्स अप्लाई होने के बाद बैक आइए, नीचे रिंग वॉल्यूम आएगा, अगर आपके फ़ोन में ये साइलेंट म्यूट है तो ये रिंग वॉल्यूम फुल करिए। इस तरीके से रिंग वॉल्यूम को फुल करने के बाद नीचे आइए, रिंगटोन सेटिंग में सिम1 रिंगटोन पे क्लिक करिए। अगर आपके फ़ोन में ये नन सेलेक्ट है, कोई रिंगटोन सेट नहीं है, तो इनमें से कोई रिंगटोन सेट करिए। जैसे कि हमने ये रिंगटोन पे क्लिक किया तो अब ये रिंगटोन सेट हो गया है। सेम बैक आइए, सिम2 रिंगटोन पे क्लिक करिए। अगर कोई रिंगटोन सेट नहीं है तो इनमें से कोई रिंगटोन सेलेक्ट करिए, सेट करिए। उसके बाद बैक आइए, बैक आने पर अब सेटिंग में नीचे आइए, नीचे आने पर ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करिए, ऐप लिस्ट आएगा ऊपर, इस पे क्लिक करिए। फ़ोन के सारे ऐप आएंगे, अब नीचे आइए, नीचे आएंगे तो डायलर आएगा या फिर आपके मोबाइल का ये फ़ोन ऐप आएगा, फ़ोन पे क्लिक करिए। नीचे फोर्स स्टॉप करिए, ओके करिए। ऊपर स्टोरेज पे क्लिक करिए, क्लियर स्टोरेज करिए, डिलीट पे क्लिक करिए। बैक आइए, नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए। अब अगर ये अलाउ नोटिफिकेशन बंद है तो इसे ऑन करिए। ये ऑन होने के बाद नीचे के सारे नोटिफिकेशन ऑन करिए। ये सारी सेटिंग्स अप्लाई होने के बाद अब अपने फ़ोन को रिबूट करिए, बंद करके चालू करिए, और अब चेक करिए, रिंगटोन का साउंड आ रहा है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।